आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल की तरफ से बयान आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तें मान लेती है तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं आवाम को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उल्टी भी खड़ी हो जाए हम तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जो लोग अपने जाति और धर्म के लोगों का सौदा करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन जनाब असद ओवैसी साहब और हम लोग उनकी कयादत में मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हमारी लड़ाई सरकार से है और हम सरकार को बदलने तक और मुख्यमंत्री बदलने तक हम अपने रास्ते पर कायम हैं। हम बीजेपी के साथ न कभी जाने की सोच सकते हैं न कभी जाएंगे। हम बीजेपी को हराने आए हैं और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। और एक बात का और यकीन दिला दें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो वो ये बात जान लें कि वैसे तो आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब करेंगे, लेकिन जिस दिन भी हमें शक हो गया कि हमारे मोर्चे में से जो लोग साथ हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, हमको उनसे अलग होने में एक सेकंड का सवा हिस्सा भी नहीं लगेगा। हम इस बात के लिए 24 घंटे सातों दिन बिल्कुल तैयार हैं कि हम कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे जो बीजेपी का साथ लेंगे या समर्थन करेंगे।